बिजनेस की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर आप सबके लिए लेकर आते हैं मुख्तलिफ कारोबार करने के बेहतरीन अंदाज। हम आपसे शेयर करते हैं किस बिजनेस के क्या फार्मूलाज हैं। हम आपको बताते हैं कि किस फार्मूले के ऊपर आप अमल करके बेशुमार अर्निंग हासिल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माचिस साजी। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि माचिस की तैयारी के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। वीडियो दोस्तों मुकम्मल देखिएगा ताकि आप जान पाएँ कि माचिस साजी की तैयारी के लिए किन अज़ा के इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। आप इन अज़ा को इस्तेमाल करके माचिस की तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो कम्प्लीट देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, माचिस हर घर की ज़रूरत है। जिस कदर भी तैयार की जाए फौरन फरोख्त हो जाती है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी क्वालिटी आला हो। म्यारी किस्म की दिया सिलाई का हर दुकानदार ख़रीदार होता है। गाग भी वही माचिस तलब करता है जो अच्छी तरह से शोला दे। इस काम को महदूद पैमाने पर घर में भी तैयार किया जा सकता है। ये इंतहाई आसान काम है, इसे करते हुए कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अलबत्ता इसके मिसाले के सिलसिले में एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। इसके नज़दीक आग का गुजर ना किया जाए, वरना नुकसान होने का अंदेशा होता है। इस सनद में जो ज़रूरी सामान है वो आप नोट कर लीजिए। केमिकल्स को पीसने वाली मशीन चाहिए। नंबर दो, लकड़ी को तीलियां छीलने वाली मशीन आपके पास होना नहायत ज़रूरी है। नंबर तीन, तीलियां काटने वाली मशीन। नंबर चार, तीलियों पर मिसाला और मोम लगाने के लिए दो बड़े ट्रे। और नंबर पाँच, तीलियां भरने वाला फ्रेम। नंबर छः, डिबियों के इतराफ पर मिसाला लगाने के लिए फ्रेम। इसके अलावा दीगर छोटी मोटी अशियाएँ ज़रूरत के मुताबिक रखनी पड़ती हैं। हिफाजती इकदाम के तौर पर तीन चार बाल्टियों में रेत भर कर रखें। अब हम आपको माचिस की मुकम्मल तैयारी का बेहतरीन फार्मूला भी बता देते हैं कि किस तरह माचिस तैयार की जाती है। तीलियों की तैयारी जान लीजिए। माचिस की तीलियां हमेशा नरम लकड़ी से तैयार की जाती हैं। अगर ख़ुद तैयार करनी हो तो फिर इसके लिए मशीनों की ज़रूरत पेश आती है, वरना बाज़ार में इस मकसद के लिए बनी बनाई तीलियां भी मिल जाती हैं। अगर आपने महदूद पैमाने पर काम का आगाज़ किया है तो फिर बेहतर है कि बाज़ार से बनी बनाई तीलियां खरीद ली जाएं। अगर आप अपने कारोबार को वसी और बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो फिर बाज़ार से इस काम के लिए दो मशीनों की ख़रीदारी कर लें। इनमें से एक मशीन लकड़ी का छील कर तीलियाँ बनाने के काबिल बनाती है, जबकि दूसरी मशीन से आम साइज़ के मुताबिक तीलियाँ तैयार की जाती हैं। इसके साथ माचिस की डिबियों की तैयारी। माचिस की अंदरूनी और बैरूनी डिबियाँ की तैयारी का ज़्यादातर काम प्रिंटिंग प्रेस से करवाया जाता है, क्योंकि बैरूनी डिबिया जिस पर मिसाला लगाना होता है इस पर ट्रेडमार्क की छपाई और इसकी कटाई और क्रेज डालने का काम प्रिंटिंग प्रेस में ही हो सकता है। इसके बाद इसका थोड़ा सा काम रह जाता है जो घर में बच्चों और औरतों से भी करवाया जा सकता है। वो ये है कि जब प्रेस से डिबिया आ जाए तो फिर इसको मोड़कर और गोंद लगाकर मजबूती से जोड़कर डिबिया की मतलूबा शक्ल दी जा सकती है। इसके बाद फ्रेम की भराई का तरीका आ जाता है। जब तीलियां मतलूबा साइज में तैयार हो जाती हैं तो तीलियों पर मोम और मिसाला लगाने की गर्ज से इनको फ्रेम में कसकर भरा जाता है। चूँकि इस मकसद के लिए बाज़ार से बने बनाए सांचे भी मिल जाते हैं, इसलिए तीलियों को फ्रेम को भरते हुए कोई मुश्किल पेश नहीं आती। एक दो मर्तबा करने से तजर्बा हो जाता है
इसमें सिर्फ इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि फ्रेम को भरने वाले सांचे पर इस तरह रखा जाए कि तीलियां छिटियों के दरमियान हो, और फिर फ्रेम को कस दिया जाता है कि ताकि तीलियों फ्रेम की छुट्टियों के दरमियान मजबूती से फंस जाएं। बहुत ही आसान मरला है। अब इसके बाद मोम लगाने का मरला आ जाता है। तीलियों को सिरों पर मोम लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं। जब तीलियों फ्रेम में भर कर कस दी जाएं, तो फिर फार्मूले के मुताबिक पिघली हुई मोम में इन तीलियों को इस तरह डुबोया जाए कि तीलियों को सिर्फ अगले सिरे पर ही मोम लगती है। चूँकि तीलियों पर मिसाला लगाने से पहले ज़रूरी होता है कि इनके अगले सिरे मोम से भीगे हुए हों, इसलिए ये काम भी बड़ी आसानी से कर लिया जाता है। घर में ख़वातीन भी ये मरला सरंजाम दे सकते हैं। अब बहुत अहम मरला मिसाले की तैयारी का है, वो भी जान लीजिए। अब जो एहतियात वाला मरला होता है वो सिर्फ मिसाले की तैयारी होती है, मगर इसमें भी एक दो बार के अमल से तजर्बा हो जाता है। क्योंकि मिसाला बताए गए फार्मूले के मुताबिक तैयार किया जाए तो फिर ही मतलूबा मकसद पूरा होता है। ये तैयार किया हुआ मिसाला तीलियों पर लगाने के लिए होता है। तीलियों पर मिसाला चढ़ाना। मिसाले की तैयारी के बाद अगला मरला तीलियों पर मिसाला चढ़ाने का होता है। ये बहुत ही आसान है। तैयारशुदा मिसाले को ट्रे पर डालकर तीलियों वाला फ्रेम ट्रे में इस तरह डुबोएं कि तीलियों के सिर्फ सिरों पर ही मिसाला लगे। अब तीलियां तैयार हैं। मिसाला खुश्क होने के गर्ज से रख दें। जब खुश्क हो जाए तो माचिस की डिबियों के इतराफ पर मिसाला लगा दें। मिसाला का फार्मूला अलग होता है, इसलिए इसकी तैयारी भी फार्मूले के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। जो भी केमिकल्स हों असली हों और ठीक तरीके से मिकदार के तहत इस्तेमाल किए जाएं। जब मिसाला तैयार हो जाए तो फिर डिबियों में एक फ्रेम में इस तरतीब से भरें कि इन दोनों इतराफ की रगड़ाई वाली सतह बाहर की तरफ हो, ताकि इन पर ठीक तरह से मिसाला लग जाए। जब तमाम डिबियां फ्रेम में भर दी जाएं, तो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्रश से मिसाला डिबियों की रगड़ वाली जगहों पर लगाएं और फ्रेम समेत डिबियों को सूखने के लिए रख दें। अब इसका आखिरी मरला, माचिस की डिबियां और तीलियां जब खुश्क हो जाएं, तो तीलियां डिबिया के अंदरूनी हिस्से में रखें, मगर सिर्फ इस कदर तीलियां ही इसमें भरें जितनी के डिबिया पर दर्ज हो। फिर डिबिया बंद करने के बाद एक दर्जन के छोटे पैकेट बनाएं, ऊपर लेबल चिस्पा करें। फिर इन छोटी पैकेटों को 12-12 की तादाद में बंडल बनाएं, ऊपर साइज़ के मुताबिक बड़ा लेबल लगाएं जो कि ट्रीट मार्क पहले से प्रेस से छुपवा हुआ हो, लगा दें और मार्केट में फ़रोख्त के लिए ले जाएं। अगर इनको स्टोर करना हो तो किसी ऐसी जगह स्टोर करें जहां पर इन पर नमी का असर ना हो। इनको स्टोर करने का तरीका ये है कि लकड़ी के तख्तों को दीवार से थोड़ा हटा कर रखें और इन पर माचिस के बंडल तरतीब से रखें। इस तरह ये नमी से महफूज रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप माचिस साजी की तैयारी का मुकम्मल तरीका कार जान चुके होंगे। आप इस तरीके के ऊपर अमल करके अपनी फैक्ट्री कारखाना कुछ भी लगा सकते हैं और आप लाखों करोड़ों रुपए में अर्निंग हासिल कर सकते हैं। लाखों कमाना कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप बेशुमार अर्निंग हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको नहायत पसंद आई होगी। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।